लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कहते हैं जिंदगी अगर तय कर ले वो मुश्किलों से लड़कर जीतेगी ही, तो मौत भी रास्ता बदल लेती है। नलगोंडा तेलंगाना की रिशिता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 29 दिसंबर 2015 को पैदा होने वाली रिशिका ने जब आंखें खोली तब उसका वजन महज 650 ग्राम था। उसे एक रुमाल में लपेट बाइक की डिक्की में रख कर लाया गया था। बचने की उम्मीद ना के बराबर थी, इसलिए उसके माँ बाप भी उसे रखने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन यूनिसेफ ने उसे संभाला, उसकी जिम्मेदारी ली और फिर जैसे रिशिता की जिंदगी ही बदल गई। मानवीय आधार पर लिया यूनिसेफ और डॉक्टरों का यह फैसला एक जिंदगी को बचाने का था, रिशिता को जिंदा रखने का था। यूनिसेफ द्वारा तैयार स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में उसे नया जीवन मिला। रिशिता को नया जीवन देने वाले स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट SNCU के डॉक्टर कहते हैं, जब हमने रिशिता को एडमिट किया तब हमें भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगी, लेकिन पांचवें दिन उसने रोना शुरू किया तो लगा जैसे वे बच जाएगी। उसका रोना अच्छा संकेत था। उसके बाद हमने तय किया कि इस बच्ची का खास ध्यान रखेंगे और उसे बचाएंगे भी। हमने उसे डोनर का दूध दिया और दूसरी जरूरी चीजें भी उसके लिए जुटाई। उसे स्पेशल केयर यूनिट में रखा, लेकिन इसके बाद भी वह हिलडुल नहीं रही थी। आमतौर पर अगर बच्चा 2 घंटे तक हरकत नहीं करता तो हमें चिंता होती है। राइट साइन गले कुरो ताताई उन मारक, वे आगे बताते हैं। फिर हमने उसे वाटर बेड पर रखा जिसके बाद वह मूवमेंट करने लगी। हमने उसे साउंड सपोर्ट भी दिया जिसमें हवा चलने, पानी बहने, बादलों की गरजने और बारिश की आवाजों के साथ उसकी माँ की भी आवाज थी जो हमने रिकॉर्ड की थी। ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि वे बहुत जल्दी भ्रूण से बाहर आ गई थी। इस म्यूजिक थेरेपी का भी अच्छा असर हुआ। हमारी सभी कोशिशों के बाद बच्ची की स्थिति बेहतर होती गई। जब हमने इसे डिस्चार्ज किया तब वजन बढ़कर 2.3 किलोग्राम हो गया था। जब वह अपना पहला बर्थडे मना रही है तब उसका वजन 7 किलोग्राम हो गया है। 20 महीने में यह बढ़कर 8 किलोग्राम हो गया। आज वह सामान्य बच्चों की तरह है और हमें बेहद खुशी होती है उसे देखकर और उसके माता पिता को देखकर। आप उस तरह पर है।